नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सनसाइंस सॉफ्टनेट में। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो ICDS की तरफ से जो है 9 मार्च 2021 को लेटर जारी किया गया है। यहाँ पे दो लेटर जारी किए गए हैं, एक 9 मार्च को जारी किया गया है, एक 10 मार्च को जारी किया गया है। दोनों का जो विषय है वो सेम है। इस लेटर का पत्र संख्या है 1661 और उसके बाद जो हम जो नया लेटर दिखाएंगे उसका भी देखेंगे। ये लेटर ICDS निदेशक की तरफ से जारी किया गया है और ये अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना को ये लेटर जारी किया गया है। इस लेटर का विषय है आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में। लेटर में कहा जा रहा है, महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 3 मार्च 2021 को मुख्य सचिव बिहार सरकार की अध्यक्षता में संपन्न बैठक जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र भवन के निर्माण विषय पर समीक्षा की गई थी। इस संदर्भ में मुख्य सचिव महोदय बिहार सरकार द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 5,000 आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया जाए तथा इस हेतु समाज कल्याण विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जाए। उक्त के आलोक में इस पत्र के साथ किराए पर संचालित 11,717 आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची सॉफ्ट कॉपी में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को ईमेल ID revenuebihar@gmail.com पर भेजी जा रही है। अनुरोध है कि इस उक्त की सूची के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए। तो ये एक लेटर है। इसके बाद जो है 10 तारीख को जारी किया गया है, उसको भी आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये लेटर जो है ICDS की तरफ से 10 मार्च 2021 को जारी किया गया है और इसका पत्र संख्या भी जो है 1688 है। और ये लेटर भी ICDS निदेशक की तरफ से जारी किया गया है और ये लेटर जो है सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को जारी किया गया है। इस लेटर का विषय है आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण किराए के भवन में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची को अद्यतन करने के संबंध में। लेटर में कहा जा रहा है, महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण कार्य के प्रगति विषय पर दिनांक 3 मार्च 2021 को मुख्य सचिव महोदय बिहार सरकार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न बैठक कार्यवाही संकलन में निर्देश दिया गया कि राज्य के अंतर्गत किराए के भवन में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र हेतु जल्द से जल्द भूमि उपलब्ध कराते हुए केंद्र भवन का निर्माण किया जाए। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग को प्रतिवर्ष 5,000 आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण का लक्ष्य निर्धारित करने हेतु निर्देशित है। इस संबंध में ध्यातव्य है कि ICDS निदेशालय स्तर पर डाटा सेंटर में कुल 62,195 केंद्र भवन का विवरण संधारित है, जिसमें से 11,717 केंद्र किराए के भवन में चल रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो डाटा है ये नोट करने वाली बात है, सिर्फ 11,717 केंद्र जो है किराए के भवन में जो है वहाँ पर डाटा दिया गया, जबकि जो है बहुत ज़्यादा है इसका संख्या किराए के भवन में चलने का। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा जो बिहार राज्य में जो आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं वो किराए के भवन में ही चल रहे हैं। इसमें 11,717 केंद्र किराए के भवन में एवं 5,462 केंद्र जो है अपना भवन यानी कि सामुदायिक भवन में संचालित होना प्रदर्शित है, जबकि 43,086 केंद्र के संबंध में कोई भी डाटा वहां पर विवरण नहीं है। यानी कि जो 43,000 जो मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा जो आंगनबाड़ी सेंटर जो है किराए के भवन में चल रहे हैं, ये वही डाटा है जिनका जो है वहाँ पर उपलब्ध ही नहीं है कि ये जो 43,000 जो केंद्र है ये किराए के भवन में चल रहे हैं, और इसलिए जो है इन आंगनबाड़ी केंद्रों को जो है किराए की जो राशि होती है वो नहीं दी जा रही है। उक्त के संबंध में उपलब्ध विवरणी का सॉफ्ट कॉपी एक्सेल शीट के 2 प्रपत्र, प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 आपके ऑफिशियल ईमेल ID पर भेजते हुए निर्देश दिया जाता है कि वर्तमान में कुल क्रियाशील आंगनबाड़ी केंद्रों का विवरण अद्यतन कर अलग अलग एक्सेल शीट में दिनांक 15 मार्च 2021 तक निदेशालय के ईमेल ID buildingicds@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित किया जाए। तो इस लेटर के ऊपर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इस वीडियो को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उस पर क्लिक कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिएगा, जिससे हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।